राजस्थान में एक बार फिर सस्पेंस रखते हुए बीजेपी ने नए चेहरे भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। बता दें कि इससे पहले राजस्थान में भाजपा राज में कभी दो उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। 1993 में पहली और आखिरी बार भाजपा ने हरिशंकर भाभड़ा को राजस्थान का डिप्टी सीएम बनाया था। अब 30 साल बाद बीजेपी ने वहां डिप्टी सीएम बनाया है। बता दें कि राज्य की नई उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी वसुंधरा राजे सिंधिया की तरह राजघराने से ताल्लुक रखती हैं और एक राजकुमारी हैं। दिया कुमारी के दादा मानसिंह टू जयपुर के अंतिम महाराजा थे। आजादी के बाद उनके साम्राज्य का विलय भारत में हो गया था। दिया कुमारी महाराजा सवाई भवानी सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की इकलौती संतान है। दिया कुमारी के पिता को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देश सेवा करने का गौरव हासिल है। महाराजा सवाई भवानी सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके बाद अपने राजधर्म को निभाने के लिए उन्होंने आर्मी छोड़ दी थी। वे ब्रुनेई में भारत के उच्चायुक्त भी रहे। पिता के साथ ही उनकी माँ भी शाही घराने की थी। उनके नाना नानी सिरमौर, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य में आता है, उनकी रियासत हुआ करता था। चुनावी हलफनामे के मुताबिक दिया कुमारी की संपत्ति करोड़ों में है। उन्होंने 28 कंपनी और म्यूचुअल फंड में करीब 14,85,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। वहीं FDR में भी करीब 1.5 करोड़ लगा रखे हैं। वहीं 8 बैंकों में सेविंग अकाउंट में 1,48,00,000 रुपए से ज्यादा है। वहीं करंट अकाउंट में करीब 92,00,000 रुपए है। वे औसत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हर साल रिटर्न फाइल करती है। दिया कुमारी की शिक्षा। दिया कुमारी ने नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल, मुंबई के GD सोमानी मेमोरियल स्कूल और जयपुर की महारानी देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है। वे लंदन से डेकोरेटिव आर्ट्स की पढ़ाई भी कर चुकी हैं। बता दें कि उन्होंने साल 2013 में बीजेपी ज्वाइन की थी और पहली बार में ही सवाई माधोपुर से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंची। इसके बाद साल 2019 में राजसमंद सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची। ज्वेलरी की शौकीन है दिया कुमारी। दिया कुमारी ज्वेलरी की भी शौकीन है। उनके पास करीब 65,00,000 रुपए के गहने हैं। 2019 के चुनावी हलफनामे पर नजर डाले तो दिया कुमारी ने बताया था कि उनके पास 64,88,421 रुपए के सोने और हीरे के गहने थे। दिया कुमारी के पास अपने नाम पर कोई जमीन, कमर्शियल बिल्डिंग या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही उनके पास अपने नाम पर कोई गाड़ी थी। ताजमहल को बता चुकी है अपना। दिया कुमारी राजस्थान के मशहूर जयगढ़ फोर्ट और अंबर फोर्ट की मालकिन है और इसका संचालन करती है। कुछ वक्त पहले ही आगरा के मशहूर ताजमहल को वे अपना बता चुकी है। दिया कुमारी ने कहा था कि ताजमहल उनके परिवार का था और मुगल बादशाह शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास इससे जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज भी हैं। जरूरत पड़ी तो कोर्ट को दिखाने को तैयार है।